बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त स्किन वाइटनिंग, ग्लोइंग और स्किन के ऊपर अगर काले सिया दाग दबे हैं तो उसको एक टोन में लाने के लिए बहुत ज़बरदस्त एक नुस्खा बताने जा रही हूँ। आपने लेनी है मलाई और मैं इधर घर की मलाई ले रही हूँ। अगर आपके पास घर की मलाई नहीं है तो आप जो मार्केट वाली मलाई है उसको भी ले सकते हैं। उसको लेना है आपने, एक हथेली भी डालना है और उसके अंदर आपने डालने हैं चंद 1 से 2 कतरे सीरम के। आपने इस तरीके से इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद ये देखें इस तरीके से ग्लोइंग है, तो ऐसे आपने पहले मसाज करना है अपने चेहरे के ऊपर ऐसे। बहुत अच्छे आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे, आप इसके रिजल्ट देख के खुश हो जाएंगे कि क्या ज़बरदस्त कमाल के रिजल्ट आए हैं। ठीक है, आपने 1 से 2 मिनट मसाज करने के बाद दोबारा आपने लेनी है हाथ के ऊपर शहद। ठीक है, ये मैंने शहद ली है और दोबारा इसको थोड़ी सी मलाई डालनी है 1 से 2 कतरा और सीरम को डालना है। ठीक है, सीरम आप कोई भी ले लें, अगर आपके पास सीरम नहीं है तो आप इसकी जगह ग्लिसरीन को भी ऐड कर सकते हैं। दो से तीन मिनट मसाज करने के बाद आपने अपने हाथों को पहले कर लेना है साफ। अभी आपने इनको धोना नहीं है, ठीक है, ऐसे साफ कर लें। आपने इस हथेली के इस साइड पे भी इसको अच्छे तरीके से लगाना है और चेहरे के भी ऊपर, गर्दन पर। तो ऐसे आपने साफ करके इसको फिर छोड़ना है 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के लिए छोड़ देना है तो जितना भी असर है सारा स्किन के अंदर अब्सॉर्ब हो जाएगा। फिर दोबारा आपने 1 घंटे के बाद लेनी है एलोवेरा जेल, उसको हाथ के ऊपर लेना है ऐसे, मसाज करना है ऐसे। आपके चेहरे का कालापन उसी का दूर हो जाएगा। अब आपने इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है, सुबह उठ के नॉर्मल पानी से जब धोना है चेहरा तो फिर कमाल देखेगा आपका हाथ, इतना आपका चेहरा नरम और मुलायम हो जाएगा कि आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो आप चाहे तो इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ दें और चाहे तो 1 घंटे के लिए रख लें, लेकिन इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रात के टाइम आपने रोज़ाना इसको यूज़ करना है और सुबह उठ के नॉर्मल पानी से धो लेना है, तो आप इसका रिजल्ट देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, हैरान भी हो जाएंगे।